आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल डेस्क के बारे में। बिल डेस्क एक 4.7 बिलियन वैल्यूड वाला स्टार्टअप है। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे है। ये हर महीने 4 बिलियन ट्रांजेक्शंस करते हैं। आखिर इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे ये कंपनी 4.7 बिलियन डॉलर की बनी, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश टोपड़े, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। की शुरुआत 2000 में की गई थी। तीन दोस्तों ने बिल्डेस की शुरुआत की थी, एमएन श्रीनिवासु, अजय कौशल्या और उसी के साथ साथ इनके और एक दोस्त थे जिनका नाम था कार्तिक गणपति। इन तीनों दोस्तों ने बिल्डेस की शुरुआत की थी। आखिर ये आइडिया आया कहां से और पहले ये क्या करते थे, तो ये तीनों दोस्त पहले अमेरिकन अकाउंटिंग कंपनी के अंदर काम करते थे और ये आइडिया इनको आया तब जब ये इंडिया में थे और इंडिया में रह रहे थे, तब इन्होंने देखा कि यार इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर फ़ोन बिल्स के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है या फिर कोई भी चीज़ का बिल अगर आपको करना है तो आपको क्यों में रुकना पड़ता है, क्यों ना एक कन्वीनियंट फ्री पेमेंट गेटवे बनाया जाए, एक ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि कस्टमर को ज़्यादा क्यू में वेट ना करना पड़े और वो काफ़ी कन्वीनियंटली अपनी पेमेंट्स को या फिर अपनी परचेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू कर सके। ऐसा शुरुआत होती है इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पेमेंट गेटवे की, जिसका नाम था बिल डेस्क। अब ये जानते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या था। तो कंपनी ने शुरुआत में जो अपना बिजनेस मॉडल रखा था वो था बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर। अब जब कंपनी ने डीप रिसर्च की तो कंपनी को पता चला कि अल्टीमेटली इस पूरे स्टोरी के अंदर, इस पूरे बिजनेस के अंदर जो है ना वो तीन मेन हीरो है। एक है अपना बैंक, दूसरा है मर्चेंट और तीसरा है कंज्यूमर, और इन तीनों को बनाए रखना है तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। अब ये समझते हैं कि आखिर इन तीनों को कैसे एकजुट किया गया, उसके लिए कंपनी ने क्या किया और कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया। सबसे पहले कंपनी ने इस्तेमाल की विन विन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कंपनी ने बैंकों को समझाया कि आखिर क्यों उनका प्लेटफॉर्म बेहतर है और क्यों उनको ये इस प्लेटफॉर्म का एक्चुअल में यूज़ क्या है या फिर कैसे ये बैंकों को बेनिफिशियल है, तभी बैंक आएगा ना, अगर उसका बेनिफिट होगा तभी वो एंटर करेगा। तो यहाँ पे बैंकों को बताया गया कि देखो आपके यहाँ पे पहले क्या होता है कि नॉर्मल जो भी मर्चेंट होता है ना उसके यहाँ पे जितनी भी कैश होती है, मान लेते हैं उसके पास 10 कस्टमर आते हैं, 20 अदर की वो परचेस कर लेते हैं, तो आपके बैंक में अंदर जो है वो 2 लाख रुपए की कैश आएगी, वो कस्टमर खुद आपके बैंक में आएगा और उसके अकाउंट में जो है वो कैश डिपॉजिट करेगा। तो इसका बैंक के लिए अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है, जहाँ से अल्टीमेटली बैंक को थोड़ा बहुत जो है वो एक तरीके से मतलब उसके खर्च बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कंपनी ये बताती है बैंकों को कि जब भी कस्टमर मर्चेंट के थ्रू पेमेंट करेगा ऑनलाइन तो वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में आएगा, यानी कि यहाँ पे होगा ये कि जो कस्टमर पहले ब्रांच में जाता था वो अब ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि उसका पैसा डायरेक्टली ब्रांच में जा रहा है। तो यहाँ पे आपके बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है, उस पैसे को मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उस पूरी ब्रांच का एक तरीके से मेंटेन करने का कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। बैंकों को यह आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, वो कहते हैं कि भैया ठीक है हम इसके ऊपर काम करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा चलता है या नहीं चलता। उसके बाद में कंपनी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है ना, तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी इवॉल्व हो जाती है, जिसके वजह से बैंकों का ट्रस्ट जो है ना वो और ज़्यादा गेन हो जाता है और वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते हैं। इतना फोकस कि बैंक अपने खुद के पोर्टल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए या फिर कोई भी बिल पेमेंट वगैरह करने के लिए। आखिर ये क्या था, तो वो थी सेकंड स्ट्रेटेजी जो थी कस्टमर रिटेंशन। अब इनिशियल डेज में जो पेमेंट्स का वॉल्यूम था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात थी, वो ये थी कि जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन थे ना वो सारे के सारे रिपीटेड थे, यानी कि हाई कस्टमर रिटेंशन था। एक बार कोई भी बंदा अगर आप बिल पेमेंट के लिए ऑनलाइन जरिया इस्तेमाल करता है, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है ना, तो वो उसे वो इतना कन्वीनियंट लगता है कि वो अल्टीमेटली उसी के थ्रू अपनी सारी बिल पेमेंट करना स्टार्ट करता है, वो उसी के थ्रू अपनी सारी ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके वजह से पहले क्या होता था कि कस्टमर जो है ना वो अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा कैश नहीं रखता था, बस सेविंग वाली अमाउंट रखता था और जो है वो बाकी कैश जो है वो अपने पास ही रखता था ताकि वो खर्च कर सके। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ने लगे ना, वो अपनी सारी कैश को ज़्यादातर करके बैंकों में डिपॉजिट करने लगा, क्योंकि उसके लिए अब वो ज़्यादा कन्वीनियंट था, रिस्क बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कैश वो अब हैंडल कर ही नहीं रहा है, बैंकों में कैश है और डायरेक्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो अपनी सारी पेमेंट कर रहा है एकदम सिक्योर, जिसके वजह से बैंकों का इस पूरे इंडस्ट्री में अच्छा ट्रस्ट गेन हुआ, जिसके वजह से अल्टीमेटली कंपनीज का भी फायदा हो गया क्योंकि बैंक्स खुद प्रमोट करने लगे कि आप भी ऑनलाइन पेमेंट कीजिए।
अब थर्ड स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए की वो थी अल्टीमेटली डेमो सॉल्यूशंस। अब इनके जो सेल्स पर्सन थे ना वो क्या करते थे, वो एंटरप्रेन्योर्स के पास जाते थे, वो शॉपकीपर्स के पास जाते थे, रिटेलर्स के पास जाते थे और उनको बताते थे कि कैसा उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उनकी कितनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने पूरे सॉफ्टवेयर का एक डेमो वर्जन बताया था जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे एंटरप्रेन्योर को समझाया कि कितना ईजिली आप बड़े आसानी से बिल पेमेंट्स कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू। अब जो रिटेलर होता है ना वो सोचता है कि यार मैं तो कैश में बिजनेस करता हूँ, मैं क्यों लूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी उसे बताती है कि भैया देखो, आप अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड कस्टमर है, उसके पास डेबिट कार्ड है और वो चाहता है कि डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करे क्योंकि बैंक्स भी प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पे अगर वो कस्टमर आता है और उसको 20-25 हज़ार की खरीदारी करनी है आपके शॉप से, आपकी दुकान से, तो आप डेबिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आपसे यहाँ से क्यों खरीदेगा। अब रिटेलर बोलेगा यार पॉइंट है तेरे बात में। तो इसी कारण की वजह से रिटेलर्स ने इनके सॉफ्टवेयर को लिया क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी था और उनका जो रीज़न था वो वैलिड था, जिसके वजह से अल्टीमेटली रिटेलर्स भी इनके पास आने लगे, एंटरप्रेन्योर्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आने लगे। और देखते ही देखते 2006 में BSNL तब काफ़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, आज तो इसका दिवाला निकल चुका है और एकदम बकवास तरीके से चल रही है, लेकिन उस समय ये जो कंपनी थी ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी मानी जाती थी, जिसके वजह से बाद में बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इवन बिल्डेस एक पहला पेमेंट गेटवे है जो कि प्रॉफिटेबल है और इसका पिछले साल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 250 करोड़ से भी ज़्यादा का है और जो रेवेन्यू है इनका वो ऑलमोस्ट 1200-1300 करोड़ के आसपास का है। अब ये समझते हैं कि इनकी फोर्थ स्ट्रेटजी क्या थी। फोर्थ स्ट्रेटजी थी जो हमें बिल्डेस और उनके फाउंडर से सीखनी चाहिए, वो है फोकस ऑन निश। किसी भी बिजनेस के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस निश के लिए बना है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपकी कंपनी ज़रूर फेल हो जाएगी। अगर आपका फोकस एक पर्टिकुलर निश पे नहीं है ना तो अल्टीमेटली आपका जो फोकस होगा ना वो डाइवर्स हो जाएगा, यानी कि डाइवर्ट हो जाएगा अलग अलग निश के ऊपर, मैं ये भी प्रोडक्ट बनाऊंगा ये भी प्रोडक्ट बनाऊंगा और होता क्या है आप फेल हो जाते हो। तो हमेशा आपको बिजनेस के अंदर निश को फॉलो करनी चाहिए। ये सारी स्ट्रेटेजीज हमने बिल्ड डेस्क से सीखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।